हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज़ द टोटल अमाउंट दैट इकोनॉमी स्पेंड्स ऑन न्यू कैपिटल। दिस फिगर इंक्लूड्स एन एस्टिमेट फॉर द वैल्यू ऑफ कैपिटल डेप्रिसिएशन, सिंस सम इन्वेस्टमेंट इज नीडेड ईच ईयर जस्ट टू रिप्लेस टेक्नोलॉजिकल एब्सोल्यूट और वर्न आउट प्लांट एंड मशीनरी। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज़ द टोटल अमाउंट, जो भी अमाउंट हमने कैपिटल में लगाया है, दैट इज़ नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो भी चार्ज होता है। आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मे चेंज। द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। जो भी नेट इन्वेस्टमेंट निकलता है और डेप्रिसिएशन का टोटल होता है, दैट इज़ नोन एज ग्रॉस वैल्यू। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी स्पेंड्स ऑन कैपिटल एसेट्स माइनस द कॉस्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ दोज एसेट्स। दिस फिगर प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ अ रियल एक्सपेंडिचर ऑन अ ड्यूरेबल गुड्स सच एज प्लांट इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर दैट आर बींग यूज इन द कंपनीज ऑपरेशन। तो जितना भी अमाउंट और वी कैन से जो भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लगी है, उसमें से डेप्रिसिएशन और वी कैन से वैल्यू ऑफ मशीनरी या जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमने फिक्स्ड एसेट्स यूज़ की हैं, उनकी वैल्यू को जब रिड्यूस किया जाता है, देन वी विल गेट नेट इन्वेस्टमेंट। सो नेट इन्वेस्टमेंट इज़ द टोटल ऑफ और वी कैन से डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इज नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन? बाय दिस पिक्चर वी कैन सी कि डेप्रिसिएशन जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ओके, सो डेप्रिसिएशन इज एन अकाउंटिंग मेथड ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल और फिजिकल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट्स हाउ मच ऑफ एन एसेट्स वैल्यू हैज़ बीन यूज्ड अप। डेप्रिसिएशन से हमें क्या पता चलता है, जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं या टेंजिबल और फिजिकल एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू को हम कितना यूज़ कर चुके हैं। हम जितनी मशीनरी को यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। और यह वी कैन से कि डेप्रिसिएशन जो होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज डेप्रिसिएशन। कोई मशीनरी है, वो जैसे यूज़ होती जाएगी तो उसके वजह से उसके प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम उसमें डेप्रिसिएशन या पर ईयर जितना यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिडक्ट करते जाते हैं, उसकी जो लाइफ रहती है उसके अंदर से रिड्यूस करते जाते हैं, तो हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो पता चल जाती है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है टोटल कैपिटल जो होता है, दैट इज़ नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। व्हेन विल रिड्यूस डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, वी विल गेट नेट इन्वेस्टमेंट। एंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। थैंक यू।